आज बच्चों हम लोग पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है लैटिस एनर्जी, है ना। सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि लैटिस एनर्जी है क्या। लैटिस एनर्जी को हिंदी में हम लोग लैटिस ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो बच्चों बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है समझ में आएगा, है ना। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा लैटिस एनर्जी, और नहीं पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग का प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, लैटिस एनर्जी डिटेल में आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बच्चों कोई भी एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल्स हो, गैसियस अवस्था में एसटीपी पर रहता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं, है ना। कहता है गैसियस अवस्था में कोई भी एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल्स है उसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट इन गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड इंटू इट्स 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। जैसे मान लिया कोई एलिमेंट है बच्चों वो सॉलिड है और इसको हम गैसियस, ये सॉलिड ये गैसियस स्टेट में है, है ना। और गैसियस स्टेट में है इसको सॉलिड में जब कन्वर्ट करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे, है ना। और कोई भी एलिमेंट गैसियस अवस्था में तब आता है जब इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एन ए प्लस बनाएगा जो कि गैसियस स्टेट में होता है, और सोडियम आयन जब कन्वर्ट होता है सॉलिड में यानी सोडियम में तो वहाँ जो ऊर्जा रिलीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस ऊर्जा कहते हैं। या जैसे मान लिया एन ए प्लस है Cl- माइनस है, ए गैसियस अवस्था में है, है ना, गैसियस स्टेट में है, इसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, है ना, सॉलिड ए मोलिक्यूल्स हो गया, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा बच्चों उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे, है ना। तो आपको लैटिस एनर्जी समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं पेरियोडिक टेबल में, है ना। पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल होता है और राइट साइड में नॉन मेटल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये मेटल के केस में और ये जो है नॉन मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में कहता है कि मेटल के केस में जैसे मान लिया अल्कली ग्रुप के मेंबर को लेते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इस प्रकार से। तो कहता है कि नॉन मेटालिक केस में मेटालिक रेडियस ऊपर से नीचे जब आते हैं तो बच्चों मेटालिक मेटालिक रेडियस जो होता है इनक्रीज करता है, है ना। मेटालिक रेडियस क्या होता है, इनक्रीज करता है, और जब मेटालिक रेडियस इनक्रीज करता है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो होता है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटालिक
मेटालिक रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमेशा याद रखिएगा मेटल के केस में, यानी आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा, तो लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, पोटासियम का होगा, फिर आरबी का होगा, फिर सीएस का होगा, हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, इसमें देख लेते हैं। पहला है बेरिलियम, इसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इसके बाद बेरियम, है ना। ये तो बच्चों हो गया मेटालिक केस में, है ना, मेटल के केस में टॉप टू बॉटम आएंगे, मेटालिक रेडियस बढ़ेगा, और मेटालिक रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी उसका घटेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मेटालिक रेडियस का। लेकिन जैसे ही हम लोग नॉन मेटल के केस में आते हैं बच्चों, है ना, नॉन मेटल के केस में आते हैं, तो कहता है कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो नॉन मेटालिक रेडियस इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, हमेशा याद रखिएगा। यानी नॉन मेटालिक केस में लैटिस एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, नॉन मेटालिक रेडियस के होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये दो पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का लैटिस एनर्जी आपको आसानी से पता चलेगा, है ना। यानी नॉन मेटल के किसी एक ग्रुप के मेंबर को लेते हैं, हैलोजन फैमिली को लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, यानी एस्टेटीन का, इसके बाद किसका होगा, आयोडीन का, इसके बाद ब्रोमीन का, इसके बाद क्लोरीन का, इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना। किसी भी मेंबर को लेते हैं नॉन मेटल में, ऑक्सीजन ग्रुप में लीजिएगा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियोरियम, है ना, पोलोनियम। तो आपको लैटिस एनर्जी समझ में आया बच्चों, इसको नोट किया जाए। ये तो बच्चों ग्रुप में हो गया मेटल और नॉन मेटल के केस में, मेटल टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी डिक्रीज, नॉन मेटल टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी इंक्रीज। अब बच्चों हम लोग पीरियड में देख लेते हैं, किसी एक पीरियड के मेंबर को लेते हैं बच्चों, है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, सिलिकन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, है ना, इसके बाद क्लोरीन तक रहने देते हैं, है ना। कहता है कि मेटल में लेफ्ट से राइट की ओर जब जाते हैं तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करता है, लैटिस एनर्जी इंक्रीज करता है, यानी एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, इसके बाद सोडियम का, है ना। लेकिन बच्चों जैसे ही ये मेटल हो गया, है ना, मेटल, और ये जो हो गया नॉन मेटल, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, लेकिन जैसे ही नॉन मेटल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो लैटिस एनर्जी हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है, है ना। यानी सबसे ज़्यादा किस में होगा, सिलिकन में होगा, फास्फोरस में, सल्फर में, क्लोरीन में, हमेशा बच्चों याद रखिएगा। मेटल के केस में लेफ्ट टू राइट
सेम पीरियड लेफ्ट टू राइट लैटिस एनर्जी इंक्रीज, नॉन मेटल के केस में लैटिस एनर्जी डिक्रीज लेफ्ट टू राइट। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।